हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय से नया विज्ञापन आया है शिक्षक भर्ती का। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान और कंप्यूटर की वैकेंसी निकाली जा रही है। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप लोगों के जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर मेरिट निकाली जाएगी और सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो कि आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है, जहाँ सैलरी के साथ में आप लोगों को रहने की खाने की सुविधा भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सिलेक्शन काफी हो ही रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हुए हैं। वेतन यहाँ पर 22,000 आप लोगों को पर मंथ दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, अंत तक वीडियो के बने रहें ताकि सारी चीजें क्लियर हो सकें। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हों। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट दिखा देती हूँ। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी से यह वैकेंसी है। कुल रिक्त पद जो है यहाँ पर आप देखें, पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी सब्जेक्ट की, संस्कृत की, विज्ञान की, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर की वैकेंसी है। 22,000 पर मंथ यहाँ पूर्णकालिक शिक्षिका को मिलेंगे और अंशकालिक शिक्षिका जिसमें कंप्यूटर की वैकेंसी है 9,800 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। आयु अगर हम देखें तो 25 से लेकर 45 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपका जो है संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ में आपका उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी टेट क्लियर होना चाहिए। किसी भी राज्य का टेट आपका क्लियर है, आपके पास जो है सीटेट क्लियर है आपका पेपर 2, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। चपरासी और चौकीदार के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए। केवल महिला अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन कर सकती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आवासीय विद्यालय जो है बालिकाओं के हैं, 12th क्लास तक के, तो यहाँ केवल महिला अभ्यर्थी ही जो है आवेदन कर पाएंगी। यहाँ पर देखें आप, बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ लें पहले। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत के लिए हिंदी और संस्कृत विषय में स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टेट अनिवार्य है। ठीक है, तो अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। किसी भी राज्य का आपने टेट क्लियर किया है उच्च प्राथमिक स्तर का, क्लास 6 से 8 का पेपर 2, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, साइंस के लिए यहाँ पर स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट अनिवार्य है। अंग्रेजी के लिए स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट जो है वो यहाँ पर अनिवार्य है। उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, किसी एक विषय से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो या प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, उच्च प्रशिक्षित स्नातक का अर्थ क्या है कि यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन के साथ में जो है बीएड भी होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है, अभी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है यहाँ पर मेल या फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर में भी जो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। चौकीदार और चपरासी के लिए यहाँ पर भी महिला अभ्यर्थी ही आएंगी, तो 8th जो है पास होना चाहिए। उम्र आपको बता दी है, 25 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण भी जो है देय होगा, यानी जो भी उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनको राज्य सरकार के जो प्रावधान है उनके अनुसार जो है उनकी जो आरक्षित वर्ग है तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी जो है कैसे आप लोगों को आवेदन करना है तो आप लोग ध्यान से सुने। भरे हुए आवेदन पत्र को स्वप्रमाणित यानी खुद के आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, उसको डाउनलोड करके फिल करना है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी लेनी है। पंजीकृत डाक, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको इस एड्रेस पर भेज देना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। किस पोस्ट के लिए भेज रहे हैं ये जरूर लिखें। 15 दिसंबर 2023 की शाम 5 बजे तक आप ये काम कर दें, यानी कि ये 2-3 दिन पहले ही जो है भेज दें। ठीक है, और बाकी यहाँ लिखा है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां kheri.nic.in इस वेबसाइट पर आप लोगों को उपलब्ध होगा। जैसे कि आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे उसके बाद जो मेरिट निकलेगी वो उसके लिए आप लोगों को इस वेबसाइट को ही देखना होगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आप मेन वेबसाइट पर चले आएं, लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। लखीमपुर खीरी की ये मेन वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ लिखा है नोटिस। नोटिस में जैसे ही आप नीचे आएंगे रिक्रूटमेंट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है।
एडवर्टीजमेंट मैंने आप लोगों को दिखा दी है और अभी आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई भी जो है नया विज्ञापन नहीं डाला गया है, ये नीचे लिखा है आर्चीव, इस पर आप लोग क्लिक करें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए फिलहाल यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन डाला नहीं है, बट यहाँ डाला जाएगा। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है जो कि हर स्टूडेंट्स तक जो है ये चीज़ नहीं पहुँच पाती है, मेन वेबसाइट पर नहीं है, बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। और वीडियो को आप दोबारा से देख कर और भी जो है इन्फॉर्मेशन जो भी लिखा हुआ है उसे दोबारा पढ़ें। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो जो पिछला आया था कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का नोटिस सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो पुराना एडवर्टीजमेंट डाला गया है इससे आपको कोई मतलब नहीं। नीचे आप आएंगे, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट चाहिए, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्मेट, जनपद लखीमपुर खीरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र 2023-24, ठीक है। तो इसे ही जो है आप लोग डाउनलोड करेंगे और फिल करके भेज देंगे। अभी जो स्टूडेंट वेट करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा, तो आप लोगों को इसी को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और संविदा पर होती है सबसे पहले यहाँ पर भर्ती, उसके बाद आपकी पोस्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि यहाँ पर आप केवल 1 साल ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर आप 1 साल करते हैं, आपकी पोस्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, और जैसे ही और भी वैकेंसी आती हैं किसी भी राज्य की तो बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।